हे गाइस, देखो आज मैं आपको एक ऐसा पेन स्टॉक्स बताऊंगा जो लगभग बहुत ही मजबूत, मतलब बहुत ही फंडामेंटली मजबूत भी है, टेक्निकली मजबूत भी है। इस बेसिस पे कंपनी ने बहुत बड़ा मुनाफा दिया है शेयर होल्डर्स को। याद रखो, ये अफवाहों के दम पे और अपर और लोअर सर्किट के दम पे नहीं चला है। ये स्टॉक ने मतलब अपने प्रॉफिट के दम पे अच्छा खासा मुनाफा दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो भरोसेमंद जो चीज़ होती है ना, हॉनेस्ट के तरीके से, मतलब इंटीग्रिटी जो होती है, कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम दिया। सोचो, अगर ये स्टॉक पेनी स्टॉक्स है, अगर यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर चली गई। अब होता क्या है जनरली पेनी स्टॉक्स में कि वो लोअर सर्किट इसी तरीके से मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इस कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग करने दिया, यहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग करने दिया। मतलब आपके हाथ में 1000-1500% का जो भी मुनाफा देखने को मिल रहा है, आपका पैसा 10-15 गुना हुआ, आप प्रॉफिट बुक कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हम आपसे नहीं लेने वाले। सोचो, इस तरीके से कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा दिया। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के बारे में आपको जानना चाहिए। और भाई क्यों ना मौका दे, प्रमोटर्स ने भी तो बड़ा माल उठाया ना यहाँ पर। प्रमोटर्स ने खुद अपनी ही कंपनी में खरीदारी की है, तो एक अच्छी बात होती है भाई, अच्छा शाइन होता है। पहले कंपनी के बारे में कुछ बता दूं यहाँ पर मैं आपको। ये कंपनी छोटी है तो इसका मार्केट कैप भी छोटा है, लगभग 169 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला। और इस कंपनी का हाई एंड लो प्राइस देख लो तो लगभग देख सकते हैं 3 रुपये से लगभग 44 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला इस कंपनी का। ये तो देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग आपको 25% के आसपास देखने को मिला, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25% है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निफ्टी 50 में आधा से ज़्यादा कंपनी का जो है, इतना 25% आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी देखने को नहीं मिलेगा जितना इस कंपनी के पास है आपको। सही है, नीचे देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल डेट फ्री है कंपनी। देखो भाई, जब कंपनी के ऊपर डेट नहीं होता ना तो टेंशन तो होता ही नहीं है। सही है, और अगर रात को, मतलब क्या मैं बोलूँ, चैन की नींद तो तब आती है ना कि उसी कंपनी में प्रमोटर्स ने खुद के कंपनी में करोड़ों रुपए की हिस्सेदारी खरीदो। देख सकते हैं 9 से 10% लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली। समझ रहे हो ना, 10% का मतलब भाई कितना करोड़ का माल खरीदा हो गया होगा, बोलना थोड़ा मुश्किल है, सोच लो। तो ये दो चीज़ें और लगभग 70% का कंपाउंडिंग, सोच लो 70% का कंपाउंडिंग का मतलब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँ कितना हो सकता है। तो ये देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट की जगह डाल दिया 1 लाख रुपए। अब यहाँ रेट ऑफ रिटर्न डालूंगा कितना, जो है 70% के आसपास रहेगी, एनुअली देखेंगे। सही ना, 70% देख लेते हैं। जब 70% कंपनी ने दिया है तो 70 डालेंगे। अब मान लेते भाई यहाँ पर केवल दो साल देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 साल ही देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 साल के अंदर भी 1 लाख रुपये आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर देखोगे कंपाउंडिंग देख लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख रुपया आपका यहाँ पर कितना हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 70 के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो लगभग 1.89 लाख रुपीज़ के आसपास हो चुका है। थोड़ा ये आपको केवल साल भर का दिखाया गया। देखो, 1 और 2 ईयर में पैसा कंपाउंडिंग नहीं होते हैं। अगर हम इसको 5 साल में कर दिया जाए, देखो अगर इसको हम 5 से 10 साल कर दिया जाए ना, तो आपको पता चलेगा हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग दूसरे साल से मिलना स्टार्ट ही होता है। अगर हम इसको 5 साल भी डालते हैं और माई फ्यूचर प्लान देखते हैं, तो लगभग आपको यहाँ पर वैल्यू हो जाता है, देख सकते हैं 13 लाख रुपीज़ के आसपास, देख सकते हैं 13 लाख रुपीज़ के आसपास, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, देख सकते हैं। सही है, आपने लगभग 1 लाख रुपये के आसपास डाला और आपको मिल गया केवल 13 लाख रुपीज़। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टाइम और बढ़ा देते हो, टाइम यहाँ पर कर देते हो मान लीजिए 10 साल के आसपास, तब तो मुझे लगता है कि आप बड़ा पैसा छाप लोगे। देखो, अब देखते हैं 10 साल में यहाँ पर कितना हो चुका है आपके पास। तो यहाँ पर हो चुका है 10 साल में 2 करोड़ से भी ज़्यादा। केवल आपने 1 लाख रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा, 2 करोड़ 1 लाख रुपये। तो ये केवल कंपाउंडिंग है, केवल कंपाउंडिंग जो लंबे समय में मिलता है। अगर यही 70% का कंपाउंडिंग अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 20 साल कर दिया जाए, तो मैं मुझे नहीं लगता कि आप इसको देख पाओगे। 20% का कंपाउंडिंग कर दो भाई इसको, हमने देखो 20% का कंपाउंडिंग कर दिया हमने यहाँ पर 20%। अब हम क्या करेंगे, माई फ्यूचर प्लान डालेंगे, तो भाई आप इतने अमीर बन चुके हो गए कि आप सोच नहीं पाओगे। देखिएगा आपके पास कितने पैसे हैं भाई, 500 करोड़ के मालिक हो गया, 500 करोड़ के मालिक, देख सकते हैं 400, मतलब इतना पैसा मिल जाए भाई आने वाले 20 सालों में, तब तो कुछ भी हो जाएगा। तो ये करके देते हैं कौन, तो ये करके देते हैं पेनी स्टॉक्स। जैसे कि ऐसा मुनाफा किसने किसको दिया होगा, ये होते हैं ना जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आता है, एग्ज़ाम में आता है किसने किसको बोला या किसने किसको जो स्टोरी में से बताते हैं। सही है, तो किसने किसको रिटर्न दिया होगा, टाइटन कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला को रिटर्न दिया होगा, सोच लो, समझ रहे हो ना। तो ये होता है लॉन्ग टर्म का बेनिफिट। और यहाँ पर देखोगे तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वार्टरली रिजल्ट ये आपको बताई जा रही है। कंपनी ने कभी भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया था, देख सकते हैं
लगभग 0. यहाँ पर देखना चाहोगे आपको बताया जाएगा, देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग नेगेटिव, थोड़ा सा प्लस है, थोड़ा सा प्लस है, नेगेटिव। फिर यहाँ पर जो देखने को मिला ना भाई, 16 करोड़, 17 करोड़ के आसपास देख सकते हैं। जो कंपनी लाखों में नहीं आता था वो कंपनी करोड़ों में चला गया, इसीलिए तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई। देखो प्रमोटर्स जब हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो याद रखो मामला कुछ गड़बड़ है, याद रखो। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में काम करने का, सही है। अगर प्रमोटर्स, आप देखो मान लेते हैं कि आप किसी स्टॉक्स में आप और क्यों खरीदते हो माल, क्योंकि आपको लगता है कि वो और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। आप माल क्यों बेच देते हो किसी स्टॉक्स में, क्योंकि आपको लगता है कि वो लॉस देने वाला। तो सेम सिचुएशन प्रमोटर्स के साथ भी लागू होता है। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कर दिखाया है यहाँ पर, देख सकते हैं एक क्वार्टर में, आपको बताया जा रहा मार्च क्वार्टर में, और उसी क्वार्टर में लगभग जो है प्रमोटर्स ने मोटा माल उठा भी लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं जेके इंटरप्राइज़ में लगभग 38 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक देखने को मिला, और यहाँ पर देख सकते हैं केवल 0.52% के आसपास ये स्टॉक दौड़ा है। मतलब आप माल कभी भी बेच सकते थे, कभी भी बेच सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो पिछले 5 दिनों में भी आपको कितना खरीदने बेचने का मौका दे रहा, पिछले 1 महीने में, पिछले 6 महीने में भी, लेकिन पिछले 1 सालों में ये स्टॉक केवल मालामाल कर रहा था। सोचो थोड़ी सी गिरावट के बाद ये स्टॉक ने खरीदने और बेचने का भी मौका दिया है, मतलब ये स्टॉक्स ने जेन्युइन मुनाफा दिया है, भरोसेमंद प्रॉफिट करके दिखाई है, ऐसा किसी को मतलब फंसाने वाला काम नहीं किया। तो ये है वो कंपनी जिसने जो है अच्छा खासा हिस्सेदारी के साथ इसने जो है प्रॉफिट बुकिंग किया था। और मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस रिवर्सल होता है तो दुनिया देखती है, यहाँ पर देख लीजिए जब ये लेवल पे था कंपनी, फिर देखो किस लेवल पे ये कंपनी गई थी, फिर वही ये नीचे नीचे चल रही थी, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, बस इसने अपने लेवल को टच कर दिया। और ये अपने इस लेवल को टच करने के बावजूद ये थोड़ा सा शांति से बैठा है, किसके इस अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो अपने लाइफ टाइम जो प्रॉफिट है या लेवल है उसको ऊपर जाएगा। और याद रखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कंपनी ने केवल एक बार ही अभी प्रॉफिट कर दिखाया है, केवल एक बार ही अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। अगर आने वाले दिनों में ऐसा प्रॉफिट करता है तो ये कंपनी काफ़ी और ज़्यादा मुनाफा देगी, या तो अगर इसका प्रॉफिट गिरता है तो स्टॉक का प्राइस भी गिरते हुए नज़र आएगा। तो ये एक जेन्युइन प्रॉफिट दिया था। तो मैं आपको बोलूँगा ये नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। देखो भाई ऐसे तो ज़्यादातर मैं आपको बोलूँगा, कई सारे मैं आपको स्टॉक्स बताते रहता हूँ खरीदने के लिए। अगर मैं आपको पेनी स्टॉक्स में बता दूँ तो TTML को लगभग मैंने आपको 2 रुपये में बताया था, और JP एसोसिएशन को मैंने आपको 1 रुपये में बताया था, टनला प्लेटफॉर्म को लगभग हमारे पास 80 रुपीज़ में ही खरीदा गया है, और भी बहुत ऐसे सुबेक्स को लगभग मैंने आपको 16 रुपीज़ के आसपास बताया था। तो मैं ये आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं लेकिन कभी कभी नॉलेज वाले स्टॉक्स भी तो बताना चाहिए, नॉलेज भी तो लेना चाहिए ना, क्यों कंपनी भागी है, कैसा आए करके यहां पर सारी चीजें। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट TalysBlue में ओपन कर सकते हो भाई, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूँ आप कहीं पर भी डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, कहीं पर भी आप जब भी कुछ बाय करते हो तो आपको 20 रुपीज़ लगता है, सेल करते हो तो आपको 20 रुपीज़ लगता है, टोटल आपको 40 रुपीज़ लगता है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको 15 रुपीज़ लगेगा, केवल 15 रुपये, सही है। क्यों? क्योंकि ये लो ब्रोकरेज है, मतलब 25% आप अपना बाय करने में सेव करोगे, सही है, 25%, और प्लस एडिशनल 25% सेल करने में सेव करोगे, मतलब 15-20 हज़ार रुपये तो आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता भाई, एडिशनल बेनिफिट वो आपको देखने को मिलेगा। API और वो ट्रेडिंग का बेनिफिट दिया जा रहा, ये है क्या? तो भाई ये ऑटोमेटिक प्रॉफिट करके आपके अकाउंट में डाल देता है, मतलब आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई, ऑटोमेटिक प्रॉफिट करके अकाउंट में आपका पैसा डाल देगा। ये है क्या? एक मशीन है, टेक्नोलॉजी है, रोबोट टाइप में ये काम करता है, जो ऑटोमेटिक आपके लिए काम करता है। रोबोट कैसे काम करता है? ऑटोमेटिक, इसलिए ये ऑटोमेटिक होता है भाई, सही है। आपको यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना, यहां सेल करना है, यहां बाय करना है, यहां बाय करना है, ये जो बार बार आप बाय सेल करते हो, इसके वजह से ब्रोकर लोग मोटा पैसा छाप लेते हैं और आपको होता है क्या नुकसान। तो क्यों ना ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुक करने वाला सेट कर दिया जाए, सही है। और इक्विटी डेरिवेटिव दोनों में काम कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में आपको सपोर्ट दिया जाता है, एजुकेशन वेबिनार वगैरह आपको करके बताया जाता है। आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीख लो उसके बाद काम करो, सही है, बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है भाई। आजकल के डेट में हवा और पानी तक फ्री नहीं मिलता, ये सारी चीजें आपके लिए फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सोचना मत, जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 2 महीने के अंदर अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया तो ये सारी चीजें आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री है, फ्री है। अगर 2 महीने के बाद आपने डीमैट अकाउंट किया तो ये सारी चीजों के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पेड सर्विस में आ जाएगा, सही है। क्यों? क्योंकि भाई एक डीमैट अकाउंट 2 घंटे में ओपन हो जाता है, आपको 2 महीने का ऑफर दिया जा रहा है, 2 महीने का ऑफर दिया जा रहा, तो आप आराम से इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया ही गया है।